हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बकरे का पचौनी, जिसे आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इस तरीके से अगर आप बकरे का पचौनी बनाएंगे तो आपका जो पचौनी है वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप भी इस तरीके से एक बार बकरे का पचौनी जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बकरे का पचौनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg बकरे का पचौनी लिया है और इसे मैंने गर्म पानी से 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है, जिससे कि स्मेल नहीं करेगा। उसके बाद इसे मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पचौनी लें तो थोड़ा सा चर्बीदार पचौनी लें, जिससे कि वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 3 बारीक कटा हुआ लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हम लाल मिर्च को मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई होने देंगे। देखिए लाल मिर्च हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। पचौनी में कम ही प्याज का यूज करें। अगर आप इसमें ज़्यादा प्याज डाल देंगे तो इसका जो मीठापन है वो पचौनी में आ जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम प्याज को मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पचौनी ऐड करेंगे और हम इसी टाइम में इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, जिससे कि पचौनी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम पचौनी को कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि पचौनी से तेल ना अलग हो जाए। देखिए पचौनी से तेल अलग हो चुका है, यानी कि पचौनी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को कवर करके मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए मसाला को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 बड़ा गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि पचौनी को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम सबसे पहले कवर करके मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए पचौनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है और देखिए पानी की क्वांटिटी वो बिल्कुल आधी हो चुकी है। अब हम इस टाइम में इसमें मीट मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मीट मसाला ऐड किया है। आप मीट मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम में पकने देंगे, जब तक कि पानी अच्छे से सूख ना जाए और इसे तेल ना अलग हो जाए। देखिए पचौनी से बिल्कुल पानी अच्छी तरह से सूख चुका है और इससे तेल अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो पचौनी है वो बनके रेडी हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया पचौनी बनके रेडी हुआ है। अब इसमें हम लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी बकरे का पचौनी बनके रेडी हो चुका है।
अब मैं आपको गर्मा गर्म बकरे का पचौनी को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बकरे का पचौनी बनकर रेडी हो चुका है, और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठा किसी साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार बकरे का पचौनी ज़रूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इस तरीके से अगर आप बकरे का पचौनी बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।